तो आज हम बनाने जा रहे हैं विक्रम वेदा का जो नई मूवी आ रही है उसका पोस्टर। तो हम उसकी शेडिंग आज करेंगे, फेस शेडिंग। आउटलाइन मैंने बना दी है। तो फेस शेडिंग के लिए हम पहले यूज़ करेंगे ये लाइट कलर की डोम्स की पेंसिल में आती है, जो कि स्किन कलर की पेंसिल है, इसका यूज़ करेंगे। फिर हम बनाएंगे फेस शेडिंग होने के बाद हम हल्के हाथों से उस पर एक ब्राउन कलर का लेयर, जिधर जिधर डार्क है ये फाइबर क्रिस्टल की ब्राउन कलर की पेंसिल यूज़ करके हम उसका डार्कनेस बढ़ाएंगे। और उसके बाद हम बियर्ड बनाने में कभी भी पहले यूज़ करते हैं हम एक ब्राउन कलर की पेंसिल, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे उस पर ब्लैक कलर की पेंसिल। इससे और अच्छा बियर्ड बनाने में हेल्प होती है, और उससे हम देखेंगे कि कैसे बियर्ड में चेंज आता है। तो चलो शुरू करते हैं ड्राइंग। हम यूज़ करेंगे स्किन कलर की लाइट स्किन कलर की पेंसिल, जिससे हम थोड़ा लाइट शेडिंग करेंगे। पहले हल्के हाथों से जो स्किन कलर की पेंसिल होती है उससे हम एक लाइट शेड करेंगे, जिससे कि हमारी ड्राइंग अच्छी लगे। अगर फेस शेड हो गया है, इसके बाद हम शेड करेंगे बियर्ड को। बियर्ड में हम शेड इसलिए करते हैं ताकि जो बियर्ड में हम जब बियर्ड बनाएंगे तो खाली जगह रहती है, इसकी वजह से वो अच्छा नहीं दिखता, इसलिए हम उधर भी शेड करेंगे। इसके बाद हम यूज़ करेंगे ब्राउन कलर की पेंसिल, जिससे हम हल्के हल्के हेयर्स बनाने की ट्राई करेंगे। डायरेक्ट ब्लैक कलर की पेंसिल का यूज़ नहीं करना है हमें बियर्ड बना के। ब्राउन कलर की पेंसिल का शेड होने के बाद हम यूज़ करेंगे ब्लैक कलर की पेंसिल, जिससे हम और अधिक बेहतर शेड करेंगे और फाइन हेयर बनाने की ट्राई करेंगे। देखो आप चेंज आ रहा है कि ब्राउन पर ब्लैक अच्छा दिख रहा है। और इसी तरह से हम पूरे बियर्ड को शेड करते जाएंगे। जिस एरिया में ज़्यादा डार्क है उस एरिया में हम ज़्यादा डार्क करेंगे, और इस तरह से हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।